बीसीसीआई ने एमएस धोनी को फिफ्थ टी20 मैच के लिए बुलाया, जिसके बाद एमएस धोनी तुरंत फ्लाइट पकड़कर स्टेडियम पहुंच गए। दोस्तों आखिर क्या है पूरा मामला और एमएस धोनी को बीसीसीआई ने क्यों बुलाया, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि टीम इंडिया इस समय साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है, जिसमें से 4 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं। उसमें 2 टीम इंडिया ने जीता है और 2 साउथ अफ्रीका ने। दोस्तों टीम इंडिया अपने दोनों शुरुआती मैच काफी बुरी तरीके से हारे थे, लेकिन लास्ट में दो मैच हुए उसमें काफी अच्छा कमबैक किया। जो दोनों मैच टीम इंडिया शुरुआत में हारी थी वो खराब कप्तानी की वजह से। दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि ऋषभ पंत इस समय टीम इंडिया के कप्तान हैं, लेकिन वो कप्तानी के साथ साथ रन नहीं बना पा रहे हैं, जिसके लिए बीसीसीआई ने एमएस धोनी को बुलाया है, जिसके बाद एमएस धोनी तुरंत फ्लाइट पकड़ कर स्टेडियम पहुंच गए। एमएस धोनी का सिर्फ इतना काम है कि वो सारे प्लेयर को मेंटोर करे, वो सारे प्लेयर्स को टिप्स एंड ट्रिक बताएं। एमएस धोनी को खास कर इसलिए बुलाया गया कि वो ऋषभ पंत को ये बता सके कि कप्तानी के साथ साथ कैसे रन बनाने चाहिए, क्योंकि पिछले 4 मैचों में ऋषभ पंत की बल्लेबाजी एकदम खामोश रही। भारत के लिए ये मैच जीतना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर भारत ये मैच जीत जाएगा तो ये सीरीज भी जीत जाएगी, इसीलिए एमएस धोनी को बुलाया गया है ताकि वो कप्तान ऋषभ पंत को और सारे प्लेयर्स को काफी अच्छी टिप्स दे सके, जिसके बाद टीम इंडिया ये मैच और सीरीज दोनों जीत जाए।